हेलो गाइज, नमस्कार आप सभी को। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग मथुरा वृंदावन धाम ब्लॉग पार्ट 9। तो आप लोगों को बता दें कि अभी मैं प्रेम मंदिर में हूँ, तो आइए आप लोगों को आगे दिखाते हैं। हेलो गाइज, अब यहाँ पे सारा सब कुछ बंद होने वाला है और सबको यहाँ से निकाल रहे हैं। तो इससे पहले कि बंद हो जाए और भी कुछ वीडियो में कवर कर लेता हूँ, जितना कवर कर सकता हूँ उतना कवर करने का कोशिश कर रहा हूँ और आप लोगों को दिखाऊँगा। तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर राधे राधे जरूर लिखें और इस प्रेम मंदिर आकर के आप लोग भी देखें यहाँ का नज़ारा। तो ये देख सकते हो आप सभी लोग, यहाँ पे गोवर्धन पर्वत की झांकी यहाँ पे बनाई गई है। तो ये देख सकते हैं आप सभी लोग, यहाँ पे सभी ग्वाल बाल और जो भी यहाँ पे हैं सभी गायें लेकर के यहाँ पे आ चुके हैं और श्री कृष्ण जी यहाँ पे लाठी से गोवर्धन पर्वत को और सभी ग्वाल बाल ऊपर उसको उठाए हुए हैं। तो ये देख सकते हो यहाँ पे वही झांकी यहाँ पे बनाई गई है और उनको दिखाई गई यहाँ पे वो झांकी। तो ये देख सकते हो कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है यहाँ का झांकी, और ऊपर से पानी भी यहाँ नीचे गिर रहा है गोवर्धन पर्वत से, और जैसा कि रियल में हुआ था उसी रियलिटी को यहाँ पे दिखाया गया। तो ये हम लोग सामने देख सकते हैं। और उधर सामने में भी वो आप लोग देख सकते हैं, वहाँ पे सामने में भी राधा रानी जी और कृष्ण कन्हैया जी का झांकी वहाँ पे दिखाई गई है, और वो गार्डन में वहाँ पे सामने में। तो उधर चलेंगे तो वहाँ भी आप लोगों को दिखाएंगे। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे कृष्ण जी अपने उंगली के बल पे देख सकते हैं गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए हैं ऊपर, और सभी ग्वाल बाल लाठी से उसको सहारा दे रहे हैं। तो यहाँ पे गाय वगैरह और सभी ग्वाल बाल वगैरह और जो भी है गोकुल के सभी आकर के यहाँ पे रुके हुए हैं। तो उसी झांकी को यहाँ पे दिखाया गया, और सामने में आप देख सकते हैं यहाँ पे राधा जी का नाम कितना अच्छा से सजाया गया है वहाँ पे, और वहाँ पे प्रेम साधन सामग्री वहाँ पे मिलती है। और यहाँ पे सामने भी यहाँ पर भी झांकी वगैरह दिखाई गई है, तो वो सारा सब कुछ भी आप लोगों को दिखाएंगे। तो अभी इधर चलते हैं और वहाँ सामने में आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देख सकते हो आप सभी लोग, यहाँ पर कृपालु जी महाराज का भी देख सकते हो आप सभी लोग, कितना अच्छा से नाम को सजाया गया है। कृपालु जी महाराज जो इस मंदिर का निर्माण करवाए थे प्रेम मंदिर का, तो वही थे कृपालु जी महाराज। और यहाँ पे देख सकते हो आप सभी लोग, यहाँ पे राधा जी और कृष्ण कन्हैया जी यहाँ पे बैठे हुए हैं, और गोपियाँ सारी भी यहाँ पे हैं जो यहाँ पे सभी का झांकी दिखाई गई है। तो यहाँ भी देख सकते हो कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है यहाँ की झांकी। ऐसे ही बहुत सारी झांकी यहाँ पे बनाई गई है, वो सारा आप लोगों को दिखाएंगे। तो यहाँ देख सकते हो आप सभी लोग सामने में, यहाँ पे लोगों का क्राउड देखिए आप सभी लोग, कितना ज़्यादा यहाँ पे है श्रद्धालुगण का यहाँ पे भीड़। और सभी श्रद्धालुगण अब यहाँ से बाहर निकल रहे हैं क्योंकि इस मंदिर का टाइम ओवर हो चुका है, बंद होने के लिए जा रहा है। तो मैं आप लोगों को और भी यहाँ का दृश्य दिखाने वाला हूँ। यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है, आप लोग भी आइए यहाँ पे देखिए। और यहाँ से देख सकते हैं आप सभी लोग मंदिर का क्या खूबसूरत व्यू आ रहा है, यहाँ से कितना ज़्यादा मंदिर खूबसूरत लग रहा है। और लोगों का देखिए यहाँ पे कितना ज़्यादा लोग भी है यहाँ पे जो भी श्रद्धालु बन रहे हैं। तो आइए आप लोगों को और भी इधर ले चलते हैं। यहाँ पर सामने में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक झांकी यहाँ पे दिखाई गई है, और लेजर लाइट भी यहाँ पे जल रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है यहाँ पे। और यहाँ पर भी कृष्ण कन्हैया जी और राधा जी और सारी गोपियाँ वगैरह उन सभी के साथ में यहाँ पे कन्हैया जी रास रचा रहे हैं। तो ये देख सकते हैं यहाँ की भी झांकियाँ कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है।
बहुत ही खूबसूरती से इनको यहाँ पे बनाया गया है। और ये इलेक्ट्रिक झांकी है, तो ये देख सकते हैं आप सभी लोग, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और वहाँ पे सामने में भी, उधर भी कुछ झांकी वगैरह दिखाई गई है, वो भी दिखाएंगे आप सभी लोगों को। ये झांकी जो आप लोग देख रहे हैं, ये झांकी उस टाइम की झांकियों को यहाँ पे दिखाया गया है जब भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ महारास किए थे, उसी रास को यहाँ पे दिखाया गया है और इलेक्ट्रिक झांकी के माध्यम से। तो ये रात्रि में ये आप लोग व्यू देख रहे हैं, कितना ज़्यादा है ये रात्रि के समय इस यहाँ का व्यू खूबसूरत लग रहा है। लोगों को और भी आगे ले चलते हैं और आगे दिखाते हैं आप सभी लोगों को जो भी और भी झांकी दिखाई गई है। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हिरण जो यहाँ पे गार्डन में दिखाया गया है, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ देख सकते हो आप सभी लोग, कृष्ण जी सारथी बने हुए हैं अर्जुन के, तो यहाँ पे रथ पे बैठे हुए हैं कृष्ण जी और पीछे में अर्जुन है। और वहाँ पे सामने में भी कुछ झांकी वगैरह दिखाई गई है, वो भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो यहाँ पे जो रथ पे बैठे हुए हैं कृष्ण जी और अर्जुन जी, तो ये देख सकते हो कृष्ण जी अर्जुन के सारथी बनकर रथ को हाँक रहे हैं, तो ये देख सकते हो आप सभी लोग, बहुत ही सुंदर नज़ारा है यहाँ का भी। और ऊपर में बजरंगबली का भी तस्वीर बनाया गया, बजरंगबली भी ऊपर में रथ पे बैठे हुए हैं, तो बहुत ही मनोरम दृश्य है यहाँ का, बहुत ही खूबसूरत व्यू अरे यहाँ पे देख सकते हो यहाँ का दृश्य, यहाँ पर की जो झांकी दिखाई गई, यहाँ की भी झांकी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, तो देख सकते हैं आप सभी लोग। तो आइए आप लोगों को और भी आगे ले चलते हैं और दिखाते हैं। यहाँ पर पानी का फाउंटेन दिखाया जा रहा था, तो ये देख सकते हैं, तो अभी नहीं दिखाया जा रहा, टाइम ऑफर हो गया तो इसी वजह से तो अभी कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पर। और अब सभी लोग जा रहे हैं, लोग देख लीजिए मंदिर का लाइट भी अब बंद कर दिया गया है, देख सकते हैं सिर्फ वाइट लाइट जल रहा है। तो आइए आप लोगों को आगे ले चलते हैं और दिखाते हैं यहाँ पर जो झांकी दिखाई गई है, यहाँ की झांकी भी आप लोगों को दिखाते हैं। तो ये देख सकते हो यहाँ की झांकी आप लोग, अभी तो लाइट यहाँ पे बंद हो चुका है जिस कारण से अभी अच्छा से नहीं दिखेगा, फिर भी दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हो आप सभी लोग, यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने पूतना का जब वध किए थे उसी का झांकी यहाँ पे दिखाया गया है। तो भगवान श्री कृष्ण के मामा जो कंस थे, उन्होंने जब पूतना को कृष्ण जी का वध करने के लिए भेजे थे कि जाओ तुम उसे दूध पिलाकर कृष्ण जी का मृत्यु कर देना, मतलब कृष्ण जी को मार देना, तो कृष्ण जी का वध करने के लिए आए थे पूतना, तो उस समय की लीलाओं को यहाँ पे दिखाया गया है। लेकिन कृष्ण तो कृष्ण भगवान थे, तो उनका तो वध हो नहीं सकता था, तो कृष्ण जी ने अपने बाल लीला में इस पूतना का वध किए थे, तो उसी लीला को यहाँ पे दिखाया गया। तो देख सकते हो यहाँ पे, अभी ये यहाँ पे लाइट बंद है जिस वजह से ये चल नहीं रहा है, नहीं तो ये इलेक्ट्रिक झांकी है यहाँ पे, और यहाँ से तरह तरह का आवाज़ भी आता है, ये देख सकते हैं। बहुत सारा कुछ है यहाँ पे गाइस देखने के लिए, और आप लोग भी आइए यहाँ का दर्शन कीजिए इस मंदिर का, और बहुत सारा कुछ यहाँ पे देखने के लिए है, और उनको देखिए और इस मंदिर में आके इस मंदिर का आनंद लीजिए। इधर भी बना हुआ है, देख सकते हैं श्री कृष्ण जी माखन का चोरी कर रहे हैं, वो देख सकते हैं आप लोग, श्री कृष्ण जी माखन का चोरी कर रहे हैं और ग्वाल सखा सब माखन खा रहे हैं, देख सकते हैं। तो श्री कृष्ण जी माखन का चोरी करके यहाँ पे खा रहे हैं और सभी को खिला भी रहे हैं और माखन नीचे गिरा भी रहे हैं, तो देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा है। अभी यहाँ भी, यहाँ पर भी दिखाया जाता है, लाइट जब चलता है तो सारा सब कुछ वो चलते हुए दिखता है, कैसे कैसे श्री कृष्ण जी सब कुछ किए थे, तो वो सारा कुछ यहाँ पे दिखता है। तो अभी तो लाइट बंद हो गया है, सारा सब कुछ बंद हो गया तो दिख नहीं रहा। तो गाइस ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से बाहर हम लोग जा रहे हैं और यहाँ भी आप लोगों को दिखा रहे हैं राधा जी और श्री कृष्ण जी को झूला झूल रहे हैं, और गोपियाँ सारे जो भी हैं वो भी
मगन है और श्री कृष्ण जी के साथ रास रचा रहे हैं यहाँ पे। यहाँ भी दिखाया गया है, यहाँ पर भी लाइट बंद कर दिया गया है, अब इसीलिए आप लोगों को अच्छा से नहीं दिख रहा होगा, देख सकते हैं आप लोग। तो गाइज अब हम यहाँ से बाहर निकल रहे हैं और यहाँ पे दिखाने के लिए कुछ और भी चीज़ है तो वो दिखा रहे हैं आप लोगों को। यहाँ भी है झूला, झूल रही है राधा जी और श्री कृष्ण जी, झूला झूल रहे हैं। अरे लाइट बंद कर दिए, लाइट बंद करके सभी को भगा रहे हैं। तो ये देख सकते हैं गाइस, यहाँ भी राधा रानी झूला झूल रहे हैं और गोपियाँ सारे वो भी अपने धुन में मगन है। सभी रास रचा रहे हैं यहाँ, आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ से सभी को बाहर निकाला जा रहा है और हम लोग भी यहाँ से बाहर निकलेंगे, जाएंगे कुछ खाना पीना खाएंगे और फिर आज रुकेंगे, फिर कल बांके बिहारी मंदिर और भी जगह जाने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ से बाहर अभी जा रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ से सभी लोग बाहर निकल रहे हैं। राधे राधे, अरे बाबा। अभी की वीडियो में इतना ही। तो गाइज इस वीडियो को भी आप लोग लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें, ज़रूर बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा और राधे राधे ज़रूर लिखेगा। तो अभी की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर बांके बिहारी जी के मंदिर में।